Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. Okay, students, today we are going to learn about the alphabets. आज हम alphabets को पढ़ेंगे भी और लिखना भी सीखेंगे, ठीक है? Before we start our first, we recite a dua. Now recite dua for everyone and raise your hand for dua. Rabbi, zidni. इल्मा, रबी जिदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा का फरमा, आमीन। ओके, सो लेट्स ओपन द पेज नंबर 4, ठीक है? मैथ्स वर्कबुक का आज हम पेज नंबर 4 करेंगे, ये वाला, ठीक है? ये वाला राइट ए टिल सी। सो लेट्स ओपन द पेज नंबर 4 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन द डेट। टुडे इज 6 जुलाई 2020। आज क्या डेट है? जुलाई की 6 डेट हो गई है और ईयर कौन सा है? 2020। एंड विच डे इज टुडे? टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे, यस। एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स को हम लिखेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? ज्यादातर जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो ऊपर की जो ये 3 लाइंस होती हैं इनके बीच में बनते हैं, ठीक है? तो अब वहां से टीचर आपको लिखवाना शुरू करेंगी और आपको टीचर के साथ साथ लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? यस, ए। ए फर्स्ट, सबसे पहला लेटर क्या आएगा? ए। Slanting line, another slanting line, and a sleeping line. Next letter A. Which letter is this? A. और A के बाद कौन सा letter आता है? Yes, B. Standing line, a curve, and another curve. Next letter B. Which letter is the? Which letter is this? B. B के बाद क्या आएगा? Yes, C. A curve is like, क्या बन गया? C. C क्या होता है? कर्व की तरह बनता है। ओके, C के बाद yes, D. Standing line and a curve. Next letter D. ओके, A, B, C, D. Next. नेक्स्ट क्या आएगा? ई। वेरी गुड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन एंड अनदर स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट लेटर ई। ई के बाद एफ। व्हिच लेटर इज दिस? एफ। ऑकवर्ड एंड अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। स्नेक लेटर जी। जी के बाद स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन। स्नेक लेटर एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के बाद व्हाट कम्स आफ्टर एच? यस, आई। I, standing line, sleeping line and sleeping line के नीचे आ जाएगी, ठीक है? I, standing line, upper and the sleeping line, snake letter J, J for jelly, J for jacket, J के बाद standing line, a cross line up and a cross line down. Which letter is this? K. K. K के बाद बहुत सिंपल एक लेटर आता है, बताइए कौन सा आता है? Yes, L. Standing line and a sleeping line. Next letter L. L के बाद standing line,
क्रॉस लाइन, अनदर क्रॉस लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन मेक्स लेटर एम. व्हिच लेटर इज दिस? एम. एम के बाद नेक्स्ट, यस, एन आएगा. स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन मेक्स लेटर एन. एल, एम एंड ओ. ओ इज जस्ट लाइक अ बॉल. एम एंड ओ. ओ के बाद यस, पी. स्टैंडिंग लाइन एंड द थर्ड मेक्स लेटर पी. व्हाट कम्स आफ्टर पी? यस, क्यू. Q for coin. Q is ऐसे सर्कल बनाएंगे और एक ऐसे क्रॉस लाइन लगा देंगे. Which letter is this? Q. Which letter is this? Q. Q के बाद R. Standing line, curve and a cross line makes letter R. R के बाद S. A curve and another curve makes letter S. L, M, N, O, P, Q, R, S. S के बाद yes, T. Standing line and the sleeping line makes letter T. T के बाद U. Standing line, curve and standing line makes letter U. Q, R, S, T, U. U के बाद yes, V. A cross line, another cross line makes letter V. V के बाद W. W कैसे बनाते हैं? टू बिग थ्री बना देते हैं. जो V है उसको टू टाइम्स बना देंगे तो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू. डब्ल्यू के बाद एक्स. अ क्रॉस लाइन एंड अनदर क्रॉस लाइन मेक्स लेटर एक्स. एक्स के बाद वाई. स्लैंटिंग लाइन एंड अ स्मॉल क्रॉस लाइन मेक्स लेटर वाई. वाई के बाद लास्ट लेटर कौन सा होता है? यस, Z. Sleeping line, slanting line and a sleeping line makes letter Z. ठीक है. अच्छा, आपको इसमें देखा होगा टीचर ने बहुत सी जगह पे जो है आपको, यानी ये वाली लाइन को स्लैंडिंग लाइन भी बताया और क्रॉस लाइन भी बताया. तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, यानी आप इसको क्रॉस लाइन भी कह सकते हैं, यानी ऐसे जो टीचर ने इस तरह जो लाइन बनाई है इस तरह जाती है. ये क्रॉस लाइन भी होती है और स्लैंटिंग लाइन भी कहलाती है. ठीक है, इसको देखते हुए आप सारे लेटर्स अपने जो है वो बनाएंगे. ठीक है, और पेज नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, पेज नंबर 4 है इसमें आपने ऐसे अल्फाबेट्स ए एल सी लिखने हैं. टीचर ने यहाँ ज्यादा गैप इसलिए नहीं दिया क्योंकि जगह थोड़ी स्पेस कम है, इसलिए टीचर ने कम गैप से लिखा. लेकिन आप नाइस की प्यारा सा स्पेस देके बहुत प्यारा सा करेंगे काम. ठीक है, सो एवरीवन स्टैंड अप एंड लेट्स स्टार्ट पोयम. आज हम पोयम पढ़ते हैं. ठीक है, सो स्टैंड अप. ओके, लेट्स स्टार्ट राइम. व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड. व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन. Wipers of the bus go swoop, 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 swoop down. Wipers of the bus go swoop, swoop, swoop all through the town. The doors of the bus get open and shut, open and shut, open and shut. The doors of the bus get open and shut all through the town. The horn of the bus say pop, 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 pop. Pop, pop, pop. The horn of the bus say pop, pop, pop all through the town. The people in the bus get up and down, up and down, up and down. The people
people in the bus get up and down all through the town. We on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus go round and round all through the town. Okay, hopefully आपके लिए poem enjoy की होगी और आज आपने अपना ये word भी complete करना है. Okay, फिर हम new class में दोबारा से मिलेंगे. Take care, Allah Hafiz.